साहब, आज आप एटा आए, आज आपने जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ 5 डेड बॉडी मिली थी, उनसे भी वार्ता की, क्या वार्ता हुई कुल मिला के? देखिए, पहले तो अधिकारियों के साथ बैठक थी, डीएम, एसएसपी और जिले के बाकी ऑफिसर्स थे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे, जो हम कोरोना पेंडेमिक से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ साथ जो सप्लाई चेन कैसे मेंटेन करनी, हमारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, बाकी हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे इफ़ेक्टिव ढंग से उसको हमें आगे ले जाना है, उस पर ज़िले के ऑफिसर्स ने हमसे हमें ब्रीफ किया और सबसे उस पर वार्ता हुई। फिर जो इंसिडेंट एटा में हुआ था, उनके परिवारीजनों को और जान पहचान के लोगों को बुला के उनसे बात की गई थी और उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हमारी बेस्ट पॉसिबल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इसमें कार्य करेगी। फॉरेंसिक टीम को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम के लिए भी बुलाया जाएगा और जो भी उनके पोस्टमार्टम में विसरास प्रिजर्व हुए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम डायरेक्टर एफएसएल से बात करके उसको इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उसके परिणाम आए और साक्ष्य एकत्र करते हुए जो भी हमारे पास साक्ष्य एकत्र होंगे उस बेसिस पे घटना के तय तक पहुंचा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की तय तक पहुंचा जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि इस घटनाक्रम को हम इफेक्टिवली एविडेंस के बेसिस पे किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, किन कारणों से ये इंसिडेंट हुआ, उसकी पूरी तय तक जा पाए। अभी तक पुलिस और परिजनों के बीच हत्या और आत्महत्या का मामला हुआ, एक एक करके पूछ लीजिए। परिजन किस एजेंसी से जांच कराने की बात कर रहे हैं? परिजनों ने कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आप लोग बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि विवेचना निष्पक्ष हो, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो और साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश हो। डीआईजी साहब, अभी पुलिस और परिजनों के बीच में हत्या और आत्महत्या का मामला उलझा हुआ है, इसी बात को लेकर आपका इस पर क्या डायरेक्शन है? पुलिस और परिजनों के बीच में इसमें मामला उलझा हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। साक्ष्य हम कोशिश कर रहे हैं कि साक्ष्य एकत्र करें, जैसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आई है, उस बेसिस पे हम इस पूरे घटनाक्रम को धाराओं में तरमीम कर रहे हैं, मर्डर की धाराओं में तरमीम करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर जो साक्ष्य आएंगे उस बेसिस पे घटना को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। क्या इस पूरे केस आया कि पॉइजन लेने से जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, इस एंगल पे भी जांच की जाएगी? नहीं, देखिए, विसरा प्रिजर्व किया गया है, ना तो उसमें पॉइजन का कोई लेख है, जो भी वहाँ से विसरा प्रिजर्व किया गया, यहाँ सैंपल्स कलेक्ट किए गए फॉरेंसिक टीम में, उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसके जो परिणाम आएंगे उस बेसिस पे हम आगे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी तक जो पाँच लोगों की डेथ हुई है उसमें 4 लोगों के मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उनका विसरा प्रिजर्व किया गया। डीआईजी साहब, इस पूरे केस को